अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस ने दिया, इनकी तरह नहीं कि पिछले साल हम इनको बार बार चेतावनी दे रहे थे कि चीन नाम बदल रहा है अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों के, तो मोदी जी कहते थे नहीं नहीं कोई बात नहीं, नाम बदलने से क्या होता है देख लीजिए, अब आप दरवाजे पर दस्तक देने आ गए। डॉन बैंक से आपके क्या रिश्ते हैं हम ये जानना चाहते हैं, क्या मजबूरी थी? विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने, ब्लैकलिस्ट किया यूरोप ने, और डोंग फैंग को एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का ठेका माफ कीजिएगा मोदी जी ने दिया। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हो तब भी ये लोग मिलने जाते हैं बीजेपी लेजिस्लेटर्स, टेक लेसन्स एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनसे शिक्षित होने जाते थे। ये देख लीजिए साहब, ये है इनकी असलियत। गौरव गोगोई जी ने आपको बताया कि कैसे 59 एप्स पे पिछले राउंड में पाबंदी लगाई गई थी। आज गृहमंत्री बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में कुछ हम पर आरोप लगा रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन एप्स जिन पर पाबंदी लगाई थी उनसे भारतीय जनता पार्टी के कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यूसी वेब मोबाइल आप नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी उनमें से ये थी यूसी वेब मोबाइल। ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है, लेकिन 19 में इसी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी की हम नहीं जानते। दूसरी कंपनी शेयरइट टेक्नोलॉजी, शेयर आईटी या शेयरइट जो भी कहना चाहें, इसी कंपनी पर पाबंदी लगाई कि यह देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। यही कंपनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पार्टनर बनकर भारत के चुनाव पर प्रभाव डालती है। हम भी पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, गृहमंत्री जी को समझना चाहिए। हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते पब्लिक डोमेन में हैं, सबके सामने हैं, कुछ छिपाने की बात नहीं है, सार्वजनिक हैं। आरएसएस के क्या संबंध है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, आरएसएस का हक क्या बनता है? वो तो एक सांस्कृतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, क्यों बार बार चीन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, क्यों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनरशिप करते हैं? और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हो तब भी ये लोग मिलने जाते हैं बीजेपी लेजिस्लेटर्स, टेक लेसन्स एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनसे शिक्षित होने जाते थे। ये देख लीजिए साहब, ये है इनकी असलियत। एक फाउंडेशन है जिसमें विदेश मंत्री के सुपुत्र काम करते हैं, बड़े अच्छे पद पर काम करते हैं। चीन के दूतावास ने उस फाउंडेशन को पैसे दिए, लगातार दिए, 2016 से लेकर लगातार देते आ रहे हैं। हमने तो यह आरोप नहीं लगाया साहब कि क्या विदेश मंत्री के सुपुत्र उस फाउंडेशन में हैं इसलिए यह पैसा दिया जा रहा है, इसका क्विड प्रो को क्या है, हमने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया, वो भी पब्लिक डोमेन में है। राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर कोई पैसा दिया वो इकोनॉमिक टाइज को कैसे इंप्रूव करना है उसकी स्टडी के लिए दिया, और फाउंडेशंस पूरे विश्व से लगातार अलग अलग जगह से पैसे लेती हैं, सार्वजनिक पटल पे होता है वो। लेकिन इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन के चीन से क्या संबंध है उसका खुलासा कीजिए गृहमंत्री जी, अनुमति ले लीजिए दोवल साहब की, बताइए क्या संबंध है दोवल साहब के और उनके फाउंडेशन के चीन के साथ। और एक और बड़ा रोचक तथ्य है, भारतीय जनता पार्टी जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने 14 लोग गए तो क्या तय हुआ? यह तय हुआ कि दोनों विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अलायंस होना चाहिए और एक ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनना चाहिए। हमने तो नहीं कहा साहब ने क्या एमओयू साइन करके आए, क्योंकि हमें समझ है, हम समझते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं तो चर्चा करती हैं, लोकतंत्र पे चर्चा करती हैं। हम सीखने नहीं गए थे, आप तो सीखने चले गए साहब, हमें शिक्षित करो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भारतीय जनता पार्टी को शिक्षित करती है, बताइए इससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है। और उदाहरण देते हैं,
पीएम केयर फंड सार्वजनिक करिए, चीन की वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया और क्यों दिया बताइए। एक और महत्वपूर्ण कंपनी डोंग फैंग, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है याद रखिएगा, जब हमारी सरकार आएगी तो ये नाम रोज हेडलाइन में होगा, ये मैं आपको आज बता देता हूं। डोंग फैंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेंटागन ने पाबंदी लगाई। 2020 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट डोंग फैंग को दे दिया हमारी सरकार ने, ब्लैकलिस्टेड कंपनी, चाइना की कंपनी। स्मार्ट मीटर का मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों का डेटा डोंग फैंग यानी कि चाइना के हाथ में आपने सुपुर्द कर दिया। बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर, डोंग फैंग से आपके क्या रिश्ते हैं हम ये जानना चाहते हैं। क्या मजबूरी थी? विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने, ब्लैकलिस्ट किया यूरोप ने, और डोंग फैंग को एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का ठेका, माफ कीजिएगा, मोदी जी ने दिया। क्यों दिया? चलिए आइए गुजरात धौलेरा में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। धौलेरा में 43,000 करोड़ के एमओयूज चीन की कंपनीज के साथ किसने साइन किए? कोई कारण रहा होगा कि चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि मोदी जी हार नहीं जाए कहीं गुजरात, अगर मोदी जी गुजरात हार जाएंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा चीन को, हम भी ये जानना चाहते हैं। ये जो गौरव गोगोई जी बता रहे थे 19 जून 2020 को दी गई क्लीन चिट चाइना को मोदी जी द्वारा, क्या ये राज इस क्लीन चिट का इन्हीं तमाम तथ्यों में तो नहीं छिपा हुआ? क्या ये राज धौलेरा में तो नहीं छिपा हुआ? क्या ये राज डोंग फैंग कंपनी में तो नहीं छिपा हुआ, या उन कंपनियों में जिनका शेयर इट टेक्नोलॉजी, यूसी वेब मोबाइल, चाइनीज कंपनीज जिन पर मोदी जी का चुनाव निर्भर करता है? हम देश की संप्रभुता, देश की सीमाओं के बारे में चिंतित हैं। 1962 में जब युद्ध हो रहा था चीन का, एक 36 वर्षीय सांसद जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, चुनौती दी उन्होंने नेहरू जी को कि संसद का सत्र बुलाइए, हम डिबेट चाहते हैं। नेहरू जी भागे नहीं डिबेट से, डिबेट हुई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंघवी जी के पिताजी एलएम सिंघवी जी उस वक्त पाली से निर्दलीय सांसद थे, उन्होंने सलाह दी कि ये डिबेट सीक्रेट होनी चाहिए, इसका कहीं कोई कवरेज नहीं आना चाहिए, अखबारों में नहीं छपना चाहिए। नेहरू जी ने कहा जी नहीं, महत्वपूर्ण तो मुद्दा है, यह डिबेट सार्वजनिक होनी चाहिए, संसद में बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा इस पर। 165 लोगों ने उस डिबेट में हिस्सा लिया। हमारे अपने सांसद महावीर प्रसाद जी, उन्होंने भी निंदा की उस वक्त, नेहरू जी ने सुनी। ये सरकार सवाल पूछ लो तो हम पर सवाल निशान प्रश्न चिन्ह लगाते हैं हमारे पर। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस ने दिया, इनकी तरह नहीं कि पिछले साल हम इनको बार बार चेतावनी दे रहे थे कि चीन नाम बदल रहा है अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों के, तो मोदी जी कहते थे नहीं नहीं कोई बात नहीं, नाम बदलने से क्या होता है देख लीजिए, अब आप दरवाजे पर दस्तक देने आ गए। तापिर गांव तो आपके एमपी हैं अरुणाचल से, तापिर गांव आपको कहते रहे कि 60-70 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं आने दीजिए। ये क्या राज है, क्यों घबराते हो आप चीन से? क्यों 18-18 बार आप चीन के राष्ट्रपति से मिलते हो? क्यों आप लाल शॉल ओढ़ के उनके आगे झुककर उनको सलाम करते हो? हम ये सवाल आपसे आज पूछना चाहते हैं, हम पूछना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन आपके रवैया देखकर संसद में भी और संसद के बाहर भी आपका रवैया देखकर हम आप मजबूर होकर ये पूछ रहे हैं कि मजबूरी आपकी क्या है, क्यों आप चुप हो जाते हो चीन के सामने, क्यों आप डर जाते हो चीन के सामने, क्यों देश की सेना का अपमान करते हो आप चीन के सामने, क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के सामने? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे।